नमस्ते दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर स्वागत है हमारे चैनल पे, जिसका नाम है रियल्टी अनबॉक्सिंग, ऑल अबाउट रियल एस्टेट। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कल्याण शिलफाटा रोड के एक पॉपुलर प्रोजेक्ट के बारे में। अगर आप कल्याण शिलफाटा रोड पे इन्वेस्टमेंट करने का प्लान कर रहे हैं तो इस वीडियो को ज़रूर देखें। इस वीडियो में हम प्रोजेक्ट के सारी डिटेल्स के साथ प्रोजेक्ट के पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट्स की भी बात करेंगे और अंत में हमारे प्रॉपर्टी एक्सपर्ट्स आपको इस प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट को लेकर अपनी राय बताएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। चलिए जानते हैं प्रोजेक्ट के डेवलपर के बारे में, जो है प्रोविडेंट हाउसिंग लिमिटेड। प्रोविडेंट हाउसिंग इज अ सब्सिडियरी ऑफ पूर्वांकरा लिमिटेड। इन्हें 45 से भी ज्यादा सालों का एक्सपीरियंस है रियल एस्टेट के सेक्टर में। इन्होंने 1,60,000 से भी ज्यादा लोगों को उनके सपनों का घर दिया है। अब जानते हैं प्रोजेक्ट के लोकेशन के बारे में, जो है शिलफाटा रोड कल्याण। कल्याण शिलफाटा रोड कनेक्ट करता है कल्याण डोंबिवली, सब अर्बन मुंबई और नवी मुंबई को। अप्रॉक्सिमेटली 45 मिनट्स लगते हैं कल्याण से नवी मुंबई तक पहुंचने के लिए। वाशी से ये प्रोजेक्ट 33 मिनट्स की दूरी पे है। आइकिया से 31 मिनट्स की दूरी पे है। सो बेसिकली ये प्रोजेक्ट नवी मुंबई के ज्यादा करीब है एज कम्पेयर टू डोंबिवली। अब जानते हैं प्रोजेक्ट के बारे में। देर आर मल्टीपल फेजेस। एज ऑफ नाउ सिर्फ एक फेज लॉन्च किया गया है, जिसमें 4 टावर्स है। कॉन्फिग्रेशन, देर आर 2 कॉन्फिग्रेशन, 1BHK एंड 2BHK। 1BHK का कारपेट एरिया रहेगा 380 स्क्वायर फीट एंड 2BHK का कारपेट एरिया होगा 740 स्क्वायर फीट। प्राइसिंग की बात करें तो फॉर 1BHK द प्राइसिंग कुड बी एनीवेयर बिटवीन 40 to 44 lakhs एंड फॉर 2BHK प्राइसिंग होगी 78 lakhs से 85 lakhs तक। पोजेशन, रेरा के हिसाब से ये प्रोजेक्ट की पोजेशन डेट है 2027, लेकिन डेवलपर इसकी पोजेशन 2025 देने तक कॉन्फिडेंट है। इस प्रोजेक्ट में दी जाने वाली एमिनिटीज कुछ इस प्रकार है: मल्टीप्ले कोर्ट, कैफे डेक, लैबरिंथ, एम्पी थिएटर, मेन स्विमिंग पूल, किड्स पूल, क्रिकेट नेट, क्लाइंबिंग वॉल, सेंसरी ट्रेल, ट्राइसिकल ट्रैक एंड स्विमिंग पूल। अब बात करते हैं प्रोजेक्ट के प्लस पॉइंट्स की। फर्स्ट, ब्रांड। पूर्वांकरा प्रोविडेंट एक काफी बड़ा ब्रांड है रियल एस्टेट की दुनिया में। लोकेशन, इट इज एन अट्रैक्टिव लोकेशन टुवर्ड्स नवी मुंबई। एमिनिटीज, लोड्स ऑफ एमिनिटीज फॉर एवरी एज ग्रुप। बालकनीज, सारे कॉन्फिगरेशन में बालकनीज दिए गए हैं। रिटर्न्स, क्योंकि ये पहला लॉन्च है इस प्रोजेक्ट का, आने वाले समय में इस प्रोजेक्ट की रिटर्न्स अच्छी ही होगी। ये आगे जाकर और भी फेजेस लॉन्च करेंगे और प्राइजेस शायद हाई होंगे, तो रिटर्न्स अच्छे हो जाएंगे। रिटर्न्स, क्योंकि ये पहला लॉन्च है इस प्रोजेक्ट का, आने वाले समय में इस प्रोजेक्ट की रिटर्न्स अच्छी ही होंगी। ये आगे जाकर और भी फेजेस लॉन्च करेंगे और प्राइजेस हाई होंगे, तो रिटर्न्स अच्छे होने चाहिए। इस प्रोजेक्ट के कुछ माइनस पॉइंट्स भी है। प्राइसिंग, शिलफाटा के हिसाब से, या यू कहे शिलफाटा के बाकी प्रोजेक्ट्स के हिसाब से, इस प्रोजेक्ट की प्राइसिंग ऑन अ हायर साइड है। कनेक्टिविटी फॉर डोंबिवली, ये प्रोजेक्ट नवी मुंबई के ज्यादा करीब है, तो अगर आप डोंबिवली के करीब देख रहे हैं तो ये आपके लिए सूटेबल नहीं है। नो 3BHK, देर आर नो 3BHK इन द होल फेज। अब जानते हैं हमारे प्रॉपर्टी एक्सपर्ट्स की राय इस प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट को लेकर। अगर आप प्रोजेक्ट के प्राइस से कंफर्टेबल हैं और आप एक ऐसे प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं जो नवी मुंबई के पास हो और एक ब्रांडेड डेवलपर का हो, तो ये प्रोजेक्ट इन्वेस्टमेंट के लिए सही है। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको इस प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट को लेके कोई भी कंफ्यूजन है या आपको इस प्रोजेक्ट की कोई और इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो आप हमारे प्रॉपर्टी एक्सपर्ट्स से व्हाट्सएप द्वारा कनेक्ट कर सकते हैं। व्हाट्सएप की लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है। इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।